हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्पेशली टीजीटी और पीजीटी के लिए है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की और उसके पीरियड्स। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कितने पीरियड्स में बांटा गया है, कौन कौन से मेजर सेक्शन हैं, कौन कौन से मेजर पीरियड्स हैं, उनको हम फ्रेंड्स ब्रीफली बात करेंगे आज। और नेक्स्ट लेक्चर में, आज के बाद जो लेक्चर स्टार्ट होगा हमारा, उसमें हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को एक डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो 450 टू 1066 ये ईयर है आपका, ये सन है, यानी 450 से लेकर 1066 तक की जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश। और इसी के साथ साथ इसको एक दूसरा टर्म दिया जाता है और वो दिया जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये सैक्सन कौन है, क्या है, कहाँ से आए, क्या था, इसको हम फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। तो फिलहाल जो ये हमारा लेक्चर है ये इसलिए है, इसमें एक केवल आउटलाइन आपको हिस्ट्री की दी गई है ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले, डिटेल हिस्ट्री पढ़ने से पहले, आप इस आउटलाइन को अच्छे से लर्न कर लें। 1066 टू 1500 ये जो लिटरेचर है, यानी 1066 से और 1500 तक की, इसको कहा जाता है मिडिल इंग्लिश। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मिडिल इंग्लिश। अब इस मिडिल इंग्लिश को भी आगे बांटा जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेक्शन है अर्ली मिडिल, या इस अर्ली मिडिल को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, और ये जो हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड है ये क्या है फ्रेंड्स? ये है हमारा 1066 से लेके, और कहां तक है, 1066 से लेके जो आपका 1340 है वहां तक ये माना जाता है। और 1340 के बाद का जो पीरियड है उसको कहा जाता है फ्रेंड्स एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर ये कहां से है? ये है फ्रेंड्स 1340 से लेके और 1400 तक, और 1400 से लेके और 1500 तक का जो पीरियड है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लेट मिडिल या 15th सेंचुरी। लेट मिडिल या 15th सेंचुरी ये हो गया आपका 1400 से लेके और 1500 तक का पीरियड। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यानी इसमें भी हमारे पास केवल दो पार्ट आए, एक तो आया 450 से लेकर 1066 तक, और इसको हमने कह दिया था एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश 1066। और पर्टिकुलर ये 1066 क्यों लिया गया ये मैं बता दूं, इसमें एक बड़ी घटना हुई थी और उस घटना का नाम था द कॉन्क्वेस्ट या नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। क्लियर? तो इसीलिए ये पर्टिकुलर ईयर लिया गया 1066, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले की जो लिटरेचर है उसको नाम दिया एंग्लो सैक्सन, और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से 1500 तक की जो लिटरेचर है उसको नाम दिया हमने, उसका एक पार्ट दे दिया हमने उसको मिडिल इंग्लिश। क्लियर? तो इसको आप फटाफट नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए। चलिए, इस एज के बाद की अगर हम बात करें तो 1500 से लेकर 1660 का जो पीरियड है उसको कहा जाता है फ्रेंड्स रेनेसा, द रेनेसा। यानी 1500 से लेकर और आपका 1660 तक का पीरियड। क्लियर? द रेनेसा।
अब रेनेसा पे ध्यान दीजिए आप, ये जो मैंने दो स्पेलिंग यहां पर लिखी है RENASCENCE और दूसरी है RENAISSANCE रेनेसा, इसकी एक्चुअल में दोनों ही स्पेलिंग यहाँ है, दोनों ही सही है। एक बार एग्जाम में रेनेसा की स्पेलिंग भी आई है तो स्पेलिंग का भी इंपॉर्टेंस है, आप स्पेलिंग पे भी ध्यान देते चलिए। क्या है रेनेसा? 1500 से लेके और 1660। और रेनेसा है क्या? रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है रिबर्थ यानी पुनर्जागरण। इसमें लिटरेचर के फील्ड में एक पुनर्जागरण हुआ और उस पुनर्जागरण को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? रेनेसा कहा जाता है। क्लियर? तो रेनेसा को भी हम तीन भागों में बांटेंगे। यहां सबसे पहला भाग है उसका, उसकी प्रिपरेशन यानी उसकी डान यानी उसका भोर, और दूसरा है उसकी हाइट यानी किस समय वो पीक पर था, और तीसरा है उसका डेक्लाइन यानी उसका पतन यानी उसका अंत। क्लियर फ्रेंड्स? तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेनेसा में तो आपको मिलेगा प्रिपरेशन या डान। और प्रिपरेशन और डान का जो अर्थ है वो है भोर, और ये जो सन है आपका ये है 1500 से 1558 तक, 1500 से लेके 1558 तक। अब इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स वो क्या है? वो 1558 से लेके और 1625 तक है। 1558 से लेके 1625 तक का जो पीरियड है, इतने सालों में रेनेसा अपनी ऊंचाई पर रहा, अपने पीक पर रहा। और इसी में दो इंपॉर्टेंट एज हमें मिलती हैं इस हाइट के दौरान, एक मिलती है एलिजाबेथन एज और एक मिलती है जेकोबियन एज। क्या? एलिजाबेथन एज जैसा कि नाम से पता लग रहा है एलिजाबेथन एज, तो ये वो एज थी, ये वो रेन था, वो कार्यकाल था जिसमें एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की गद्दी पर थी यानी एलिजाबेथन एज। और इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? चूंकि इसका जो डोमिनेंट राइटर था, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थी वो था शेक्सपियर, तो इस लिटरेचर को शेक्सपियर के नाम पे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। और ये क्या है फ्रेंड्स? ये 1558 से लेके और क्या है 1603 तक है। क्लियर? अब 1603 के बाद का जो पीरियड है यानी इसको हमने हाइट जो बांटी थी इसकी, इसकी जो पीक थी वो थी 1558 से लेके 1625। अब यानी 1558 से लेके 1603, लगभग ये 45-50 साल का जो पीरियड है ये तो एलिजाबेथन एज कही जाती है, लेकिन इसके बाद का जो पीरियड है वो है आपका जैकोबियन एज। और फ्रेंड्स ये जो जैकोबियन आया, ये नाम कहाँ से आया? ये एक्चुअल में जो जेम्स फर्स्ट था, जेम्स फर्स्ट के नाम पे ये एज का नाम पड़ गया जैकोबियन एज। जेम्स फर्स्ट क्या था, कैसे था, कब गद्दी पर बैठा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पीरियड है वो है आपका 1603 से लेके 1625 यानी ये एज है आपकी जैकोबियन एज। और जब डेक्लाइन था इसका, यहां तो हमने अभी हाइट की बात की, और अगर हम डेक्लाइन की बात करें या एंड ऑफ द रेनेसा, अब इसका जो रेनेसा था ये रेनेसा की प्रिपरेशन थी, ये हाइट हो गई, पीक हो गई और अब इसका अंत। रेनेसा का जो डेक्लाइन था, जो पतन था, वो एज कही जाती है आपकी 1625 से लेके 1625 से लेके और 1660 तक। क्लियर? अब इसमें भी फ्रेंड्स दो एज रही, कौन कौन सी एज रही? सबसे पहले तो रही कैरोलाइन एज। डेक्लाइन में दो पीरियड आते हैं, कैरोलाइन एज
और कैरोलाइन का जो शाब्दिक अर्थ है ये चार्ल्स फर्स्ट। इस एज में जो चार्ल्स फर्स्ट और चार्ल्स सेकंड थे वो इंग्लैंड की गद्दी पर राज करते थे, किसमें? कैरोलाइन एज में। और इसको चूंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थी और वो थी मिल्टन, जॉन मिल्टन, जो हमारे सिलेबस में भी है, तो जॉन मिल्टन के नाम पर इस कैरोलाइन एज का दूसरा नाम पड़ता है, वो क्या है? एज ऑफ मिल्टन। और ये जो एज ऑफ मिल्टन है ये है आपकी 1625 से लेकर 1649 तक, 1625 to 1649, 1649 तक। ये क्या हो गई फ्रेंड्स? कैरोलाइन एज या एज ऑफ मिल्टन। और इसके बाद आपको एक और एज मिलेगी और वो पीरियड मिलेगा आपको कॉमनवेल्थ पीरियड, वो है फ्रेंड्स 1649 से लेके यानी 1649 to 1660। क्लियर? तो यहां जो हमारे पास रेनेसा है, रेनेसा कब से कब तक चला? 1500 से लेके 1660 तक। और रेनेसा को हमने, पुनर्जागरण को हमने तीन भागों में बांटा, एक यानी उसकी प्रिपरेशन यानी उसका भोर, और उसकी हाइट, और उसका डेक्लाइन यानी उसका अंत या उसका पतन। जो प्रिपरेशन है वो थी फ्रेंड्स 1500 से लेकर 1558, और उसके बाद जो हाइट है वो 1558 से लेकर 1625, और जो इसका डेक्लाइन है वो है 1625 से लेकर 1660। क्लियर? जो हाइट है, हाइट पे दो इंपॉर्टेंट एज रही हैं, दो इंपॉर्टेंट पीरियड रहे हैं। पहला एलिजाबेथन एज जिसको हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, और दूसरा है जैकोबियन एज जो 1603 से लेकर 1625 तक थी। क्लियर फ्रेंड्स? डेकलाइन पे दो एज रही है, एक तो इसमें कैरोलाइन एज यानी एज ऑफ मिल्टन रही है, और इसके बाद आ गया कॉमनवेल्थ पीरियड। क्लियर फ्रेंड्स? अब 1660 से के बाद का जो पीरियड है यानी 1660 के बाद का जो पीरियड है, और 1660 से लेके 1798 तक का पीरियड है, उस पीरियड को कहा जाता है नियो क्लासिकल पीरियड या नियो क्लासिकल एज। क्या है फ्रेंड? 1660 to 1798, 1798 तक ये पीरियड कहा जाता है नियो क्लासिकल एज या न्यू क्लासिकल पीरियड। क्लियर? और इस न्यू क्लासिकल पीरियड में इसको हमने तीन पार्ट में भी इसको बांटा है। सबसे पहला तो है रेस्टोरेशन यानी एज ऑफ ड्राइडन कही जाती है, दूसरी अगस्टन जिसपे प्रोमिनेंट फिगर थी पोप एलेक्जेंडर पोप, तो पोप के नाम पर कही जाती है एज ऑफ पोप, ठीक, या अगस्टन एज। और इसके बाद थर्ड पीरियड है इसका, थर्ड फेज है इसकी, वो ट्रांजिशन या सेंसिबिलिटी, या वहां एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थी और वो थे डॉक्टर जॉनसन या एज ऑफ जॉनसन। क्लियर? तो चलिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताया इसको? रेस्टोरेशन। अब ये रेस्टोरेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है रिस्टोर करना किसी चीज को। अब एक्चुअल में जो कॉमनवेल्थ पीरियड था उसमें सत्ता जो थी वो नहीं थी, जो राजा थे वो उस पीरियड नहीं रहे, उसके बाद सत्ता फिर से रिस्टोर हो गई, तो इसीलिए इस एज का नाम दे दिया रेस्टोरेशन एज, और इसको आपको कहा जाता है एज ऑफ ड्राइडन, क्योंकि ड्राइडन इसमें इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे। और ये है फ्रेंड 1660 से लेके और आपकी 700 तक, क्योंकि ड्राइडन की डेथ हो गई थी 1700 में, तो इसलिए इसको 1660 से लेके 1700 तक इसको माना जाता है। इसके बाद सेकंड, यहां जो स्टेज है, सेकंड जो फेज है वो है अगस्टन एज, और यू कैन से एज ऑफ पोप, यानी इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर यहां थी वो थी एलेक्जेंडर पोप। तो ये थी फ्रेंड 700 से लेके 745 तक, 1700 से लेके 1745 तक। और इसके बाद जो थर्ड फेज है इसकी, थर्ड स्टेज है, वो है ट्रांजिशन
ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के साथ साथ क्या है फ्रेंड्स, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ये भी ध्यान रखें, जॉनसन भी दो हुए हैं, एक तो बेन जॉनसन थे और एक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे। डॉक्टर जॉनसन जहां भी लिखा जाता है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को लिखा जाता है, जो एक बहुत बड़े क्रिटिक थे। क्लियर? और जो बेन जॉनसन थे वो विलियम शेक्सपियर के समकालीन एक प्ले राइट थे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये जो एज है आपकी वो 1745 से लेकर 1798 तक। क्लियर? और जो 1798, ये भी मैं बता दूं, ये पर्टिकुलर ईयर क्यों लिया गया, देखिए 1798 से लेके और 1837 तक, ये जो पीरियड है यानी 1798 से लेके 1837 तक का जो पीरियड है, इसको कहा जाता है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड और एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि वर्ड्सवर्थ इसमें इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे। क्लियर फ्रेंड्स? रोमांटिक पीरियड या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये क्या कही जाती है 1798 से लेके 1837। और ये पर्टिकुलर ईयर ही हमने क्यों चुना 1798, 1798 एक्चुअली इसलिए चुना क्योंकि इसमें लिरिकल बैलेड्स जो है एक वेंचर पब्लिकेशन था, और किस किस का, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ थे और कॉलरिज थे। तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने संयुक्त रूप से एक बुक पब्लिश की, बुक निकाली जिस बुक का नाम था लिरिकल बैलेड्स। और लिरिकल बैलेड्स कब आया, वो 1798 में आया। और लिरिकल बैलेड के बाद जो एक रोमांटिक पीरियड चल पड़ा, एक ट्रेंड चल पड़ा, एक नई पोएट्री की शुरुआत हुई, और इस एज को कहा जाता है रोमांटिक पीरियड। क्लियर फ्रेंड्स? 1837, और ये 1837 एक्चुअल में क्या था, ये क्वीन जो विक्टोरिया थी वो गद्दी पर आसीन हुई 1837 में, तो इसलिए ये पर्टिकुलर ईयर यहाँ लिया गया 1837 टू 1901। और कब तक रही वो, 1837 से लेके 1901 तक रही। तो इस एज को कहा जाता है विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, या इस एज का एक दूसरा नाम भी हम देते हैं, वो देते हैं एज ऑफ टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नाम सुना होगा आपने, ये पीजीटी के सिलेबस में है जो टेनिसन। तो टेनिसन प्रोमिनेंट फिगर थे विक्टोरियन एज की। क्लियर? तो इसीलिए दो एक्चुअल में क्या थे, यहाँ जो दो लोग थे, यहाँ दो ये ऑथर थे, एक टेनिसन थे और टेनिसन के साथ साथ इन्हीं के समकालीन थे रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग और टेनिसन, कई बार तो इस मुद्दे पर बहस होती है कि दोनों में महान कौन था, लेकिन चूंकि जो ये टेनिसन थे इनको पोएट लॉरेट भी बनाया गया, तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव जो पोएट हैं इस एज के ये कहे जाते हैं, और इसीलिए इस एज का जो नाम है वो विक्टोरियन पीरियड को एज ऑफ टेनिसन भी जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? और 1901, 1901 से लेके 1914 तक का जो पीरियड है ये रहा है एडवर्डियन एज। क्योंकि इसमें जो एडवर्ड थे, किंग एडवर्ड थे, वो उनका शासन था 1901 से लेके 1914 तक, तो इस एज को एडवर्डियन एज जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब ये 1660 से 1798 तक का क्या एज है आपका, न्यू क्लासिकल पीरियड है या न्यू क्लासिकल एज है, इसको भी हमने रेस्टोरेशन, अगस्टियन और ट्रांजिशन एज में बांटा। इसके बाद आ गया 1798 टू 1830 सेवन, दिस एज इज नोन एज रोमांटिक पीरियड, और यू कैन से एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। और 1837 यानी 1837 टू 1901, दिस पीरियड इज नोन एज विक्टोरियन पीरियड, और आफ्टर द नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पोएट टेनिसन।
टेनिसन मींस एज ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. और 1901 टू 1914 दिस एज इज नोन एज एडवर्डियन एज. क्लियर फ्रेंड्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. जो 1914 से लेकर और 1950 तक का जो पीरियड है, यानी 1914 से लेके 1950 तक का जो पीरियड है, इसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियड. और इस एज में टीएस इलियट एक बड़े ऑथर रहे हैं, तो इसलिए उनके नाम पर इसको कहा जाता है एज ऑफ इलियट, और यू कैन से 20th सेंचुरी. और इस 20th सेंचुरी में एक पीरियड और रहा है, वो रहा है फ्रेंड्स 1939 से लेके और 1945 तक का. ये जो पीरियड कहा जाता है, इस पीरियड में चूंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड रहा, तो इसलिए इस लिटरेचर को जो कहा जाता है, वो कहा जाता है लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. क्लियर फ्रेंड्स. और इसके बाद का जो पीरियड है, यानी एक पीरियड 1945 के बाद का जो पीरियड है, और एक्चुअल में 45 से लेके और आपका 2000 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को कहा जाता है लिटरेचर आफ्टर आफ्टर वर्ल्ड वॉर. और यू कैन से पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड लिटरेचर, यानी जो लिटरेचर आपकी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसके बाद की जो लिटरेचर है उसको ये 2000 के बाद, यानी यहां 2000 से टिल टुडे आज तक का जो पीरियड है उस एज को कहा जाता है 21st सेंचुरी लिटरेचर. क्लियर फ्रेंड्स. तो ये आज हमने सीखा एक ब्रीफ पीरियड्स इंग्लिश लिटरेचर के, हिस्ट्री के हमने यहाँ ब्रीफ पीरियड्स यहाँ ब्रीफली आपको हिस्ट्री यहाँ बताई. और एक्चुअल में ये जो आज का जो टॉपिक हमने किया, आज का जो हमने हमारी क्लास थी, इस क्लास से कम एक से दो क्वेश्चन वहाँ बिल्कुल एग्जाम में मिलेंगे. इसी के साथ साथ आपको आगे जो स्टडी करनी है, आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, मीन्स इसी को हम और डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे. हर एज को हम डिटेल वहाँ अपने सब्जेक्ट अपने एग्जाम के पर्पस से इसको स्टडी करेंगे, तब हमें और डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी. और वहां से कम 5 से 7 क्वेश्चन हमें वहां जितना भी है वो सब वहां से मिलेगा. क्लियर फ्रेंड्स. तो उस लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, तभी वो समझ में आ पाएगा. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, और आप अपने कमेंट्स अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.